हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग? गुड गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए एक और नया एपिसोड गाइस पैल वर्ल्ड का। और आज का जो पैल वर्ल्ड का एपिसोड है वो शुरू करने से पहले जोड़े बंदे होंगे चैनल पे, फटाफट से इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और गाइस अभी आज का ये वाला जो हमारा एपिसोड है ना, इस एपिसोड में हम क्या करने वाले वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले अगर आपने हमारी पैलवेल की प्लेलिस्ट नहीं देखी है सो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको पैलवेल नाम की हमारी प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। उसको जरूर चेकआउट कर लेना, वहाँ पे अभी तक जितने भी पैलवेल के एपिसोड अपलोड हुए हैं वो सारे लाइन से आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। सो उसको जरूर से चेकआउट कर लेना। सो चलो गाइस अभी आज का जो हमारे पैलवेल का प्यारा प्यारा सा एपिसोड है गाइस वो शुरू करते हैं। और आज देखो हम लोग को क्या करना है, जो कि हमारी, एक मिनट रुक जाओ, तीन लोग कैसे ब्रीडिंग कर रहे हैं यहाँ पे गाइस? अच्छा ये, अच्छा मेहमान है, थर्ड पार्टी कर, अरे बाप रे यहाँ पे, अरे दो गाइस बच्चे देखते हैं इसलिए वरना बोलने वाला था मैं भाई। ठीक है चलो, तो गाइस यहाँ पे इन लोग की ब्रीडिंग हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग को जो है ना गाइस यहाँ पे चार ओपी वाले डैमेज वाली स्किल वाला जो है गाइस जर्मन डाइड इग्निट चाहिए। एंड इसके लिए हम लोग जो ना गाइस इनकी यहाँ पे दबा के अच्छे से जो ब्रीडिंग है ना गाइस वो कर रहे हैं, आप सभी को पता ही होगा। और अभी आज के इस वाले एपिसोड में जो है ना गाइस मैं यहाँ पे बॉस ब्रीडिंग भी शुरू करने वाला हूँ। आपको बताया होगा कि हम लोगों ने जो है ना अपना जो दूसरा बेस था इस वाले बेस पे बॉस ब्रीडिंग जो है गाइस वो शुरू कर दी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे प्यारे प्यारे से जो बॉस है गाइस वो ब्रीड करके हम लोग को जो, अरे दो दो अंडे दे दिए भाई, रुक जाओ तीसरा अंडा भी आने वाला है, ये तीसरा अंडा भी लेके जाता हूँ। और इस वाले बेस पे जो है गाइस हम बॉस ब्रीडिंग करने का काम जो है गाइस वो करने वाले हैं। पहले तो मुझे जल्दी जल्दी से ना यहाँ से जो अंडा मिलेगा ना गाइस उसको उठाने दो भाई, ठीक है। सो जल्दी से कमॉन भाई, ओके तो तीन अंडे हमारे पास आ चुके हैं। इन तीन अंडों को जो है ना गाइस जाके मैं यहाँ पे जल्दी से हैच कर लेता हूँ। पहले अंडों के लिए हम लोग को बॉस को मारना पड़ता था लेकिन अभी गाइस मज्जा नहीं लाइव हो चुकी है, अंडों के लिए बॉस वगैरह को मारने की जो है ना गाइस अभी फिलहाल के लिए हम लोग को जरूरत ही नहीं है। चलो मैं अभी जल्दी जल्दी जो हमारे अंडे थे शंडे है ना गाइस वो यहाँ पे डाल के इनको हैच, अरे और मेरे पास जगह नहीं है ज़्यादा। अब पहले मैं एक काम करता हूँ, रुको हम लोग ना उस वाले बेस पे ब्रीडिंग सेंटर्स बनाते हैं क्योंकि हम लोग को आर्मी चाहिए। आपको बताया होगा आर्मी जो है कि जो हमारे पास इनफ है नहीं भाई बड़ी वाली, तो हम लोग को यहाँ पे भी आर्मी चाहिए फिलहाल के लिए। काम करूँ क्या, यहाँ पे पहले बॉक्सेस लगा दूँ मैं? फर्स्ट तो मैं बॉक्स लगा देता हूँ ना यार, बॉक्स बनाने के लिए भी मुझे भाई वुड और स्टोन लेके आना पड़ेगा हमारे उस वाले बेस से। यहाँ पर हम लोग अभी ब्रीडिंग वाला जो कि अपना बेस है ना वो वापस से भाई सेटअप करने वाले हैं, ठीक है। मुझे जल्दी से भी ये सारी चीज़ें यहाँ पर डालने दो जो मेरे किसी काम की नहीं है, और थोड़ा सा वुड और थोड़ा सा स्टोन लेके वहाँ पे जाने दो, ठीक है। वुड भाई, वुड थोड़ा एक्स्ट्रा ही चाहिए। अरे एक काम करो ना, दो भाई वुड, दो भाई 2000 भाई, इतना वुड नहीं चाहिए। स्टोन का कमी पड़ रही है क्या? स्टोन नहीं है क्या मेरे पास ज़्यादा? रुको स्टोन तो होगा यार, स्टोन तो हमारे जो ना कि हर एक बक्से में पड़ा हुआ इधर उधर, ये लो रुको, स्टोन की कमी नहीं कभी होगी भाई, ठीक है। चल के गाइस वहाँ पे थोड़े बॉक्सेस वगैरह बनाते हैं, वहाँ पे हमारा जो बेस है ना गाइस वो बना लेते हैं। और जैसे जर्मन डाइड इग्निस की हमारी आर्मी जो है गाइस वो बन के रेडी हो जाएगी ना, वैसे ही गाइस हम लोग यहाँ पे वो बेस हटा के वहाँ पे बॉस फाइट लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है ना जर्मन डाइड इग्निस की जो है ना गाइस आर्मी नहीं है। जर्मन डाइड इग्निस की भाई, ठीक है, इनकी आर्मी की ज़रूरत है हम लोग को अगर अगले वाला जो टायर वाला बॉस है उसको हराना है। तो मैं जल्दी जल्दी से अभी यहाँ पर सबसे पहले तो बॉक्सेस लगाने पड़ेंगे ना, स्टोरेज बॉक्सेस। कौन से वाले लगाओ? ये वाले लगा सकता हूँ, और कोई लगा भी नहीं सकता तो मैं वैसे भी ये वाले स्टोरेज बॉक्स लगाता हूँ। यहाँ पे वापस से मुझे बेस बिल्ड करना है हमारा, जैसे पुराना वाला बेस था ना पहले, सेम टू सेम यहाँ पे भाई वापस से मुझे वैसे बेस बिल्ड करना है। मैं चार बक्से यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे हम लोग को अंडा और मिल्क जो है जो मिलेगा भर भर के। अनुबिस को निकालता हूँ भाई, काम कर ले अनुबिस भाई। हाँ भाई दूसरे भी हाँ ये दूसरे बक्से भी भाई वो कर ले जरा से, ठीक है जल्दी जल्दी। एंड इन लोग का ब्रीडिंग अभी फ़िलहाल के लिए मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए हम बंद कर रहे हैं इनका ब्रीडिंग। मुझे जल्दी से इसको डिमोलिश करने दो। इसको बनाने के लिए मुझे फाइबर की ज़रूरत होती है, ओके ठीक है, मुझे फाइबर चाहिए होगा। रुको मैं बेस से थोड़ा सा फाइबर जो है गाइस वो लेके आ जाता हूँ, फाइबर की जो है ना गाइस हम लोग को थोड़ी सी ज़रूरत है। तो मैं जो है ना गाइस बेस से भाई जल्दी से थोड़ा फाइबर लेके वहाँ पे हमारा बेस जो है गाइस वो बना लेता हूँ। 2000 1000 फाइबर से काम बन जाएगा, वैसे उतने ज़्यादा फाइबर की ज़रूरत नहीं। फ्रैगमेंट चाहिए मुझे, फ्रैगमेंट की ज़रूरत पड़ेगी काफ़ी ज़्यादा, 450
हाँ चलो भाई, फ्रैगमेंट की तो जरूरत पड़ेगी वहां पे बेस बनाना है तो फ्रैगमेंट थोड़े से लेके चलते गए। ठीक है, कोई सीन नहीं है। अबे हट यार भाई, जर्मन टाइड बीच में आते हैं ना, मैं ग्रैपल नहीं मार पाता हूँ। जल्दी से हम लोग चलते गए हमारे बेस पे, और यहाँ पे मैं वापस से बेस बिल्डिंग का काम जो है वो कर देता हूँ शुरू। ठीक है, यहाँ पे पहले मुझे सारी की सारी चीज़ें जो है वो डालने दो जो मैं लेके आया हूँ। ये बेस बनाने में हमारे काफ़ी काम आएगी। सबसे पहले तो यहाँ पे 3 ब्रीडिंग सेंटर बनेंगे आराम से अच्छे से। पहला ब्रीडिंग सेंटर, कम ऑन बन जा भाई। दूसरा ब्रीडिंग सेंटर, अरे यहाँ पे क्या बोलते हैं, वुड वगैरह पड़ा हुआ इसलिए बन नहीं रहा था भाई। और भाई अनुबिस ये बनाने का काम कर ले तू, ठीक है। और ये रहेगा तीसरा ब्रीडिंग बर्ड। मैं 4 बना सकता हूँ, बट मेरे पास ना उतने केक नहीं है, पता है, केक की कमी पड़ रही है मुझे, वरना मैं और ब्रीडिंग सेंटर यहाँ पे बनाता। ठीक है, तो ये ब्रीडिंग सेंटर यहाँ पे बना के हो चुके हैं। अभी गाइस ये ब्रीडिंग सेंटर बनाने के बाद मुझे रैंच बनाने, रैंच की भी जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि हमारे पास केक बनाने के लिए अंडे शंडे नहीं है। वो अंडे शंडे भी मुझे यहाँ से ही इकट्ठा करने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यार पे कितने रैंच बना दूँ, 3 रैंच मेरे हिसाब से इनफ हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फीडर लगा देता हूँ। सारी चीज़ें जो गाइस यहाँ पे पहले लगी हुई थी ना, वो सारी चीज़ें लगा देते हैं। बॉस टर्मिनल हटाने की जरूरत पड़ेगी क्या? इधर एक और रैंच, ओके, यहाँ पे एक और रैंच लगाता हूँ मैं। 3 रैंच इनफ रहेंगे। रैंच लगाने के बाद मुझे चाहिए होगा भाई फीडर, क्योंकि हमारे पैल जो है उनको भाई बेचारों को भूख तो लगेगी ना, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे फीडर लगाने। ठीक है, अरे मत मारे यार, वो चुटकी को मारने के पीछे पड़ा हुआ है। बिल्ड कर ले चुपचाप से तू, चल। ठीक है, बिल्डिंग का काम कर ले। अभी मुझे और क्या लगाना है, फीडर लग गया, ये लग गया, इनके लिए बेड, मेन बेड के लिए फाइबर और वुड चाहिए ना। वुड लेके आऊँ मैं वैसे भाई। ठीक है, बेड कहाँ लगाओ, पहले तो जक्यूजी पिक्यूजी लगा दूँ क्या? पैल्फ्लूइड चाहिए इसके लिए, 10 पैल्फ्लूइड चाहिए, बाकी सारी चीज़ें पड़ी हुई। पैल्फ्लूइड लेके आ जाता हूँ, रुको मैं जल्दी से पैल्फ्लूइड जो है वो लेके आ जाता हूँ। उसके बिना ये जक्यूजी जो है वो बनेगी नहीं हमारी। ठीक है, बैठ जाए इधर, मुझे जाना है जल्दी से यहाँ पर। यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा पैल फ्लूइड मिल जाएगा, तो पैल फ्लूइड लेके यहाँ पे 2 जक्यूजी बनाता हूँ, जिसके अंदर वो आराम से बैठ के अपना जो है गाइस क्या बोलते हैं, स्ट्रेस कम कर पाएंगे। गाय तो काफ़ी ज़्यादा, गाय की ज़रूरत थी क्या मुझे? थोड़ी सी गाय जो है ना जो पकड़नी थी भाई यहाँ पे, तो यहाँ पे काफ़ी सारी गाय पड़ी हुई है, बट मेरे उसमें जगह नहीं है गाइस, स्टोरेज बॉक्स में, पैल बॉक्स में जो है ना कहीं जगह नहीं है। पैल फ्लूइड कितना हो गया, 20-30, ओके ठीक है, इतना चाहिए भी नहीं था जितना कैसे अभी यहाँ पे मिल गया है। चलो कोई ना, जल्दी से हम लोग चलते गए यहाँ पे अपने बेस पे। अरे जा रहे क्यों भाई, गुर्र कर रहे भाई ये लोग। ओके, सो यहाँ पे मुझे बनानी है भाई पहले तो जक्यूजी, ये वाला जक्यूजी नहीं, हॉट स्प्रिंग बनाएंगे भाई, छूट वाली 3 बनाएंगे, 3 बनाएंगे भाई। आराम से आके हमारे पैल भाई यहाँ पे आराम से आके, ठीक है, नहा भी आ पाएंगे। रुको, इसको बाहर निकालता हूँ, बिल्डिंग का काम कर लेगा। ठीक है, अभी भाई बारी आती है बेड्स की, तो बेड्स मुझे 20 लगाने हैं यहाँ पे, टोटल 20 बेड रहेंगे बराबर। तो 20 बेड्स कहाँ लगाऊंगा, यहाँ पे लगा देता हूँ लाइन से, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, 6 अभी सट जा भाई, 7, 8, 9 ये बीच बीच वाले भाई बेड बना रहा है भाई, 10 भाई बनाने तो सारे बनाना, आधे आधे क्यों बना रहा है, 20 बेड लगाने, 10 लग गए भाई, 10 और लगाने। ठीक है, 11, 12 आराम से, 13, 14 कम ऑन, 15, 16 हो गया भाई, 17, 18, 19 and 20 भाई। ठीक है, ओके, टोटल 20 बेड्स जो है गाइस वो भी लग चुके हैं यहाँ पे। अभी पैल्स को जो है ना गाइस निकाल के यहाँ पे रख देता हूँ। कौन कौन से पैल को निकालना है, सबसे पहले तो यहाँ पे अनुबिस चाहिए भाई मुझे काम करने के लिए। भाई एलिमेंट कर दो, एलिमेंट कर दो, अनुबिस चाहिए होगा मुझे, क्योंकि अनुबिस जो है ना गाइस वो काफ़ी मेहनती होते हैं चीज़ें जो है गाइस एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए। ऐसा भाई जिसका वर्क स्पीड ज़्यादा हो, 70-91 वर्क स्पीड वाला,
और 91 वर्क स्पीड वाला चाहिए भाई मेरे को, 91 से ज़्यादा नहीं है ना किसी का वर्क स्पीड, नहीं भाई तो 91 वर्क स्पीड वाला ये वाला अनुबिस गाइस यहाँ पे आराम से काम करेगा अपना, ठीक है। तो 91 वर्क स्पीड वाला अनुबिस डाल देता हूँ। शाम हो रही है क्या, जाके सो के आ जाता हूँ, फिर सवेरे जो है गाइस हम लोग हमारा काम करेंगे ना बचा हुआ। बेस तो बन के रेडी हो गया भाई यहाँ पे, आप देख ही सकते हो। तो कोई काम कर लेता हूँ मैं, जाके पहले सो जाता हूँ, सवेरे इस बेस का काम हम कंप्लीट करेंगे। बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा मेहनत दिख रहा हूँ गाइस। चलो आ जाओ जल्दी जल्दी, मैं जाके सो जाता हूँ, शाम हो गई भाई यहाँ पे, तो मुझे जल्दी से सोना पड़ेगा यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए तो। ओके चलो आ जाओ अभी जल्दी जल्दी से गाइस, हम लोग चलते हैं और जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पे इस बेस पे जाके सारे पैल्स को और बॉसेस को लगा देता हूँ, ठीक है। अपने उस बेस पे कोई नहीं ना, हाँ ठीक है। तो अभी यहाँ पे मुझे पहले मैं बॉसेस की ब्रीडिंग चालू कर दूँ, हाँ पहले बॉसेस की ब्रीडिंग चालू कर देता हूँ, अनुबिस को बीच में डाल दूँ, ठीक है। तो पहला है भाई फीमेल, फीमेल मैडम जी इधर, यहाँ पे होगी बॉस ब्रीडिंग। हमको ये बॉस चुना है, इसे चाहिए भाई, ये बॉस की हम लोग को ज़रूरत है, गोल्डन स्किल वाला बॉस चाहिए मेरे को ये वाला। तो कौन है भाई, फीमेल ना, केक डाल लेना। कितने डाल दो अभी के लिए, तो 25-25 डाल देता हूँ फिलहाल के लिए के, बाकी और केक बनेंगे तो मैं डाल दूंगा, ठीक है। और थोड़े 25 केक लेके आ जाता हूँ गाइस, रुको हम हमारे बेस से 25 केक लेके आते, केक की थोड़ी सी कमी पड़ रही है तो केक का जुगाड़ कर लेंगे यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद इनके अंडे जो है गाइस यहाँ से वो भी हैच करूंगा मैं। शाइनी कौन है, अरे ये मेरे पास पड़ा हुआ है भाई, जोलटॉक भाई शाइनी वेरियंट नहीं चाहिए यार ये। 200 केक, 113 केक हो गए ना, चलो भाई थोड़े से एक्स्ट्रा ही केक डाल दूंगा वहाँ पे। बॉस जो है गाइस वो भाई मैं मैक्स लेवल कर पाऊँ, बस मुझे उसकी गोल्डन स्किल मिले यार ओपी वाली उसके अंदर, ठीक है। रुको अभी जल्दी से मैं यहाँ पे 50 केक डाल देता हूँ, यहाँ पे 50 केक डाल देता हूँ, एंड इस वाले में 50 केक डाल देता हूँ, ठीक है डन। ओके अभी वाह भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक काम कर रहा है भाई, कुछ ज़्यादा ही खतरनाक काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारी फीमेल है, हम लोग को यहाँ पे चाहिए मेल बराबर। तो मेल कितने हैं मेरे पास, मेल की कमी नहीं है भाई, मेल भी पड़ेगा। अब मैं उस बॉस से कंबाइन करके इनका ब्रीडिंग निकालूंगा तो भी कुछ फ़ायदा भी नहीं है वैसे भी उतना ज़्यादा। चलो इनकी ब्रीडिंग होने दो यहाँ पे, ठीक है। हम लोग गाइस इसमें से गोल्डन स्किल वाला जो है ना गाइस बॉस निकालने की ट्राई कर रहे हैं अभी फिलहाल के लिए इनकी ब्रीडिंग करके। ओके तो अभी यहाँ पे, अरे यार ज़्यादा नहीं है भाई, मेल जो है ना गाइस वो ज़्यादा नहीं है, मेल काफ़ी कम है मेरे पास। एक ब्रीडिंग सेंटर जो है गाइस वैसे खाली रहने वाला है, चलो फिलहाल के लिए 2 ब्रीडिंग सेंटर ही चला लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको यहाँ पे डाल दूँ, अभी मुझे चाहिए होगा फीमेल, फीमेल फीमेल तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा है, बट किसको डालू, माइंड फोरियम सायरन ऑफ वाइड, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है स्किल, सायरन ऑफ वाइड ये डाल देता हूँ। ये आई थिंक से डार्क टाइप अटैक जो है ना गाइस वो बढ़ा देता है भाई पैल का, तो सायरन ऑफ वाइड जो है ना गाइस हम लोग को चाहिए इनके अंदर भाई, ठीक है। चलो इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, तो यहाँ पे इनकी ब्रीडिंग होने दो बॉसेस की। अभी हमारे पास कोई मेल नहीं है तो फिलहाल के लिए हम लोग ना, मुझे अंडे भी चाहिए क्योंकि हमारे बेस पे अंडों की कमी पड़ रही है केक बनाने के लिए। तो मैं जो है गाइस मुर्गियों को बाहर निकाल रहा हूँ, ये देखिए हमको अंडे, उसके बाद मुझे हनी की तो कमी नहीं पड़ रही है, मुझे चाहिए दूधू, दूधू की कमी पड़ रही है, तो दूधी के लिए मैं भाई काउस को बाहर निकाल रहा हूँ। लेवल अप वाली काउ चाहिए, एक एक लेवल की नहीं चाहिए गाइस, ठीक है। लेवल अप वाले काउ इतनी इनफ रहेगी ना, इतनी इनफ रहेगी काउस। मुर्गियाँ अगर और हो तो डाल देता हूँ मुर्गियाँ थोड़ी सी एक्स्ट्रा, ठीक है। काउस भी डाल दिए, हनी के लिए 20 को डाल दूँ क्या मैं, वर्क स्पीड ज़्यादा हो ऐसे वाली 20 को डालूँ मैं, 105 वर्क स्पीड जा, ये काम जल्दी करेगी ना फिर, 105 तुट जा, ज़्यादा हाई वर्क स्पीड वाली डालनी है 70 भाई, ठीक है। हनी की ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है, काउस मिल्क की ज़्यादा ज़रूरत है, थोड़ा काउस डाल देता हूँ, डन। चलो तो अभी यहाँ पे मिल्क वगैरह और दूसरी चीज़ें जो है कि जो आराम से मिलती रहेगी। खाना खाना लेके आना भूल गया, बेस तो बन गया हमारा लेकिन खाना लेके आना जो है कि इसमें भूल गया भाई यहाँ पे हमारे बेस से। रुकना गई जल्दी से मुझे यहाँ से खाना लेके जाने दो, ठीक है। ये बेरी जो है गए जो सारे के सारे हमारे पैल्स खा के आराम से बैठे रहेंगे, चलते हैं हम लोग जल्दी से हमारे बेस पे, एंड यहाँ पे इनके लिए अब भाई डाल रहा हूँ खाना, डाल रहा हूँ खाना, डाल रहा हूँ, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन खाली देने का, खाओ
आराम से खाना खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? तो इनके लिए मैंने खाना भी यहाँ पे डाल दिया है, ओके। नाउ ये वाला पेज जो है गाइस वो रेडी हो चुका है। यहाँ पे बॉस की ब्रीडिंग जो है गाइस वो भी चल रही है, हनी मिल्क वगैरह और दूसरी चीजें वो भी हम लोग को यहाँ पे आराम से मिल रही है। अभी चलते हैं गाइस हम लोग हमारे बेस पे, और जो यहाँ पे हमारी जर्मन डेड इग्निस की ब्रीडिंग चल रही है उनसे जो अंडे मिले उन अंडों को भी हैच करने का टाइम आ गया है गाइस। चलो यहाँ पे हमारे जर्मन डेड इग्निस ने जो है ना गाइस काफी सारे अंडे दे दिए, जैसे कि आप देख सकते हो। मैं जल्दी जल्दी से जो है गाइस ये सारे के सारे अंडे जो है गाइस उठा, अरे यार और वेट हो गया अंडे उठाने के चक्कर में। चलो कोई ना, अभी जाके गाइस इनको मैं ऊपर हैच कर लेता हूँ और देखता हूँ मुझे जो जर्मन टाइड इग्निस चाहिए थे वो मेरे को मिलेगी नहीं, ठीक है? सो जल्दी से, अरे वाह ये किसके अंडे सर? अरे यार ये वाले अंडे मैंने हैच नहीं करे थे क्या अभी तक? ठीक है माइंडपुर में ओके ठीक है ठीक है। सायरन हेड वगैरह मिल रहे गाइस काफी ओपी वाले, रुको मैं भाई ब्रीडिंग करने के लिए चला जाता हूँ वापस उस बेस पे जो ना गाइस, अगर मुझे इसमें से कोई मेल वगैरह मिला है ना तो उसको डाल देता हूँ वहाँ पे ब्रीडिंग के लिए, ठीक है? अभी जल्दी जल्दी से मेरे को यहाँ पे इन सारे अंडों को हैच करने दो। मुझे मसल हेड सोलो मिला है कि नहीं वो बस देखना है। अरे लेट्स गो बॉयज, मसल हेड सोलो मिल गया पहले अंडे में से ही, जिसकी जरूरत थी वही मिल गया भाई, मजे ही मजे आ गए भाई। ठीक है रुको अभी जल्दी जल्दी से मुझे भाई ले एक और मसल हेड, आज लग रहा है कि मेरी किस्मत जो ना कुछ ज्यादा ही साथ दे रही है, ठीक है? हम लोग ने गाइस जो सोच के गाइस यहाँ पे ब्रीडिंग करी थी ना वो काम हो चुका है, और आज के इस एपिसोड में बॉस किलर जर्मन टाइड इग्निस जो है ना गाइस वो तो तुम्हारा भाई बना के रहेगा किसी भी कीमत पे, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अभी जल्दी से मुझे ना इन लोग का ब्रीडिंग बंद करने दो, ठीक है? मुझे ये देखने दो ये वाला, हाँ इसके साथ मुझे मसल हेड को भाई कंबाइन करना है बराबर। मसल हेड वाला कहाँ पे चला गया? अरे यार एक मिनट रुक जाओ, वो जो हम लोग ने गाय निकाली थी ना वहां पे आ गया है भाई, ठीक है? ये क्या है, फीमेल है, मेल चाहिए यार मसल हेड वाला, मेल नहीं मिला है क्या? अरे यार प्रॉब्लम हो जाएगी, मेल चाहिए था मुझे मेल मसल हेड। ओके लेट्स गो बॉयज, ओपी बोलते इधर आ मसल हेड वाले भाई। चलो अभी इस मसल हेड वाले को मैं भाई यहाँ पे ब्रीड कराऊंगा फ्यूरियस ब्रेव, और वो मेनियाक बिनियाक जो भी स्किल है उस वाले गाइस हमारे इस जर्मन डेड इग्निस के साथ। अभी गाइस इनके लगभग 4 या 5 अंडे गाइस यहाँ पे जमा होने दो, उसके बाद में डायरेक्टली आपसे मिलता हूँ, क्योंकि इनके जो 4 या 5 अंडे होंगे उसमें से एक ऐसा अंडा होगा जिसमें ये चारों के चारों जो स्किल है ना गाइस जो मुझे चाहिए वो मिल जाएगी। एक मिनट रुक जाओ, मुझे वहाँ पर भी ब्रीडिंग शुरू करने दो हमारे उस वाले बेस पे भी। सायरन हेड वाली जो स्किल है ना गाइस वो मैं डाल देता हूँ गाइस ब्रीडिंग करने के लिए यहाँ पे, ठीक है? सायरन हेड वाली स्किल जो है गाइस वो डाल देता हूँ यहाँ पे, रुको जल्दी से हम लोग एक काम करते हैं। सायरन हेड वाली जो स्किल है ना वो डालने के लिए मेरे को, एक मिनट रुक जाओ, पहले देखने दो कि मैंने यहाँ पे ना क्या करा है। एक मिनट, सायरन हेड वाली स्किल इस पे नहीं है ना? नहीं इन पे भी नहीं, इनमें से किसी के पास भी नहीं है। मेल है कोई इसमें से? आ रहे यार जो भी मिले फीमेल मिले, एक काम करता हूँ यहाँ पे ये वाली फीमेल डाल देता हूँ, माइंड फोरमैन की तो जरूरत नहीं है। सायरन हेड माइंड फोरमैन, और ये कोल्ड ब्लडेड क्या है? ये कोल्ड ब्लडेड कुछ अटैक वगैरह बढ़ाएगा क्या? कोल्ड ब्लडेड इंक्रीज द इंक्रीज आइस अटैक, बड़ी आइस अटैक नहीं देती है ना ज़्यादा यार, आइस अटैक नहीं देती है ज़्यादा। ठीक है रुको, नहीं चाहिए ये वाला, यहाँ पे डाल देता हूँ मैं इस फीमेल की जगह पर, ठीक है? आ जाओ मैडम जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओ इन्होंने अंडा दे, भाई दो दो अंडे दे दिए भाई, अंडे देने भी शुरू कर दिए इन लोग ने तो, अच्छी बात है अच्छी बात है। देने दो गाइस इनको अंडे आराम से, चले भाई। अभी जो हम लोग को मिलेगा वो होगा सायरन हेड, और कोल्ड ब्लडेड भी आएगा उसमें, और माइंड फॉर्मर भी आएगा। काफ़ी बढ़िया वाले जो है गाइस हम लोग को बॉस मिलने वाले हैं, बस हमको मेल मिल जाए, मेल हम लोग को ज़्यादा मिल नहीं रहे अभी यहाँ पे। चलो अभी एक काम करता हूँ मैं, बस यहाँ पे इंतज़ार ही कर सकता हूँ, मुझे बस यहाँ पे अभी इंतज़ार करना है हमारे इन जर्मन टाइड इग्निस के अंडे देने का। जैसे ये गाइस कम से कम 3 अंडे भी दे देते हैं ना उसके बाद में डायरेक्टली आपसे मिलता हूँ, क्योंकि उन 3 अंडों में से एक आध अंडा ऐसा होगा जो गाइस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, डोपी वाला होने वाला है। तो अभी मुझे इंतज़ार करना है, जब तक मैं गाइस यहाँ पे वेट कर रहा हूँ तब तक आप लोग लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जो है गाइस वो कर सकते हो मेरे दोस्तों। चलो फिर मिलते थोड़े टाइम बाद आपसे, और हाँ अगर आपने हमारी पैलवेल की प्लेलिस्ट नहीं देखी तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको पैलवेल नाम की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, उसको जरूर से चेकआउट कर लेना गाइस, ठीक है? चलो मिलते थोड़े टाइम में, रुको गाइस। तो ओके गाइस हमारे पास जैसे कि आप देख सकते हो अंडे शंडे जो है गाइस वो आ चुके हैं टोटल 4।
अभी मैं देखता हूँ, अरे यार भूख भी लगी क्या मेरे को, चलो भाई थोड़ा खाना शाना खा लूँ। अभी ये जो 4 अंडे गाइस मेरे पास आए ना, मुझे जल्दी से देखने दो गाइस कि यहाँ पे इन 4 अंडों में से जो मुझे जर्मन टाइड इग्निस चाहिए था ओपी वाला, वो मिलता है या नहीं। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पे इन अंडों को जो है गाइस डाल देता हूँ, एंड हम लोग देखने वाले कि 4 जो स्किल हम लोग को चाहिए थी नहीं मिली यार। इसमें मसलेट, अरे यार एक ब्रेव कहाँ है भाई, ब्रेव कहाँ है, अरे भाई साहब 4 अंडों का भी कोई भाई यहाँ पे फायदा नहीं है। अरे भाई 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 मिले ही नहीं यार, इतना फायदा ही नहीं हुआ भाई, कुछ भी फायदा नहीं हुआ यहाँ पे भाई इनके अटैच करके। चलो कोई सी नेक एक और काम कर लेता हूँ मैं जल्दी से जो ना कि जिस वाले बेस पे चलता हूँ, और यहाँ पे जो बॉस के अंडे जो है अभी हम लोग हैच करने का काम करते हैं, देखते इसमें से अभी मेल मिलता है कि नहीं हम लोग को। ठीक है, मुझे चाहिएगा इस मेल, मुझे मेल की भाई तलाश है। यहाँ पे बॉस ने तो भर के अंडे दिए यार भाई, देख रहे हो भाई कितने, अरे यार ओवरवेट हो गया भाई, भर भर के कचरे की तरह अंडे थे। इतने तो भाई वो जर्मन टाइड इग्निस ने नहीं दिए थे अंडे, जितने हमारे इन बॉसेस ने दे दिए भाई। चलो अभी मैं जल्दी से जो है गाइस इन अंडों को बेस पे लेके जाके हैच करने का काम जो है गाइस वो कर लेता हूँ उनको। ठीक है, और देखते हैं गाइस कि इनमें से कोई मेल वगैरह जो है गाइस हम लोग को ये बॉस मिलता है कि नहीं। लगभग 12 अंडे या फिर उससे भी ज़्यादा अंडे जो है गाइस वो मेरे पास होंगे ऐसा लग रहा है मेरे को। जल्दी से जितने भी अंडे हैं वो सारे मैं हैच करने के लिए डाल देता हूँ। अभी भी ओवरवेट से जो है गाइस मैं हटा नहीं हुई यहाँ पे। चलो हट गया, अभी जितने अंडे गाइस हैच करके अगर यहाँ से हमको कोई गोल्डन स्किल वाला बॉस मिल गया तो मज़े ही आ जाएंगे वैसे, मसलेड फ्यूरियस वगैरह वाला, पर थोड़े चांसेस कम ही लग रहे हैं मेरे को। ठीक है चलो आ जाओ देखते हैं। अभी इसको मैं जल्दी से यहाँ पे हैच करता हूँ, माइन फोरमैन वाइल ऑफ डार्कनेस, ये काफ़ी बढ़िया वाला मिला है वैसे। ठीक है ऑल राइट, वर्कोलिक माइन फोरमैन काफ़ी बढ़िया बढ़िया वाले जो ना गाइस हम लोग को मिले भाई यहाँ पे। ठीक है चलो जल्दी जल्दी से इन सबको जो है गाइस यहाँ पे हैच कर लेता हूँ। डन, और कुछ मिला है क्या, और तो कुछ भाई, एक मिनट रुक जाओ इन सबको हैच करके देखते हैं। इस वाले से वाइल ऑफ डार्कनेस एग्रेसिव गाइस अटैक बढ़ाता है क्या, एग्रेसिव अटैक बढ़ाता है कि नहीं पता नहीं मेरे को। कोल्ड ब्लडेड चेरी माइन फोरमैन ये नहीं चाहिए यार मेरे को, जो नहीं चाहिए वही मिल रहा है यहाँ पे, एस्ट्रिन कोल्ड ब्लडेड। ठीक है भाई ओके, सायरन ऑफ वाइड। अभी मेरे को बस ये देखना है भाई, एलिमेंट कर दूँ मैं जरा सा इनको, कि इसमें से कोई मेल मिला है क्या मेरे को, मुझे मेल की ज़रूरत है, मुझे फीमेल की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। मेल है कोई इसमें भाई साहब, अबे मेल एक भी मेल नहीं है, जितने भी अंडे के इसमें ने भी यहाँ पे हैच करे उसमें मुझे एक भी मेल नहीं मिला, एक भी मेल भाई, क्या किस्मत है अपनी। मैं सोच रहा था मैं जाके भाई मस्त वाला भाई ब्रीडिंग शीडिंग करूँगा यहाँ पे अभी। ठीक है मेल मिला होगा इतने अंडों में से, एक भी मेल नहीं मिला। अरे यार ऊपर से हमारा पैल बॉक्स भी फुल हो गया है, रुको एक मिनट रुक जाओ गाइस, हमारा पैल बॉक्स जो है गाइस वो यहाँ पे हो गया है फुल। मुझे बस पैल्स को बेचना पड़ेगा यार, पैल वाला मर्चेंट, ठीक है रुको थोड़े से पैल्स को बेचना पड़ेगा। सेल किसको बेचूं यार, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे पास काफ़ी सारे पैल्स पड़े हुए बट ज़्यादा कोई डबल ट्रिपल कुछ ज़्यादा पैल नहीं पड़े मेरे पास यार, कुछ समझ नहीं आ रहा किसको बेचूं, इन बॉसेस को ही बेच दूं। चेरी कोल्ड ब्लडेड माइन फोरमैन, इसका तो कोई यूज़ नहीं है माइन फोरमैन वाले का ना, ये जर्मन टाइड इग्निस को बेच देता हूँ उनको, इनकी वैसे भी अभी हम लोग को ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। ठीक है तो थोड़े से जर्मन टाइड इग्निस जो है गाइस वो यहाँ पे बेच देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। ठीक है चलो आ जाओ, अभी ऊपर जो आ गाइस हमारे पैल पड़े हुए ना गाइस उसको मैं उठा के लेके आ जाता हूँ उनको। ऑलराइट, एंड ये अंडे में से पहले देखता हूँ गाइस कि हमको जो चाहिए था वो मिला क्या। ब्रेव, अरे स्विफ्ट मिला है भाई, वाह भाई वाह भाई, फ्यूरियस की जगह पे स्विफ्ट मिल गई वहाँ पे स्किल, क्या फालतूगिरी चल रही है रे बाबा। चलो कोई ना, अभी मुझे यहाँ पे देखने, तो जो बॉस मुझे मिले ना उसमें सायरनेड ये तो मेरे पास है, कैपेसिटर ये वाली क्या बॉस करती है, वो वाइल ऑफ डार्कनेस मुझे एक मिली थी, मैंने देखा था पॉजिटिव थिंकर वाइल ऑफ डार्कनेस। ठीक है इसके साथ मेरे को वाइल ऑफ डार्कनेस और एग्रेसिव, ये स्किल भी मुझे देखनी है वाइल ऑफ डार्कनेस और एग्रेसिव। हाँ
कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड तो मुझे नहीं लग रहा खास कुछ होगा। पायरोमेनियक मिली है, पायरोमेनियक भी चाहिए मुझे। ये वाला भाई, ये वाला अपना मेन है भाई, ठीक है। और लड़ा भी मुझे देखने दो। कैपेसिटर क्या कर सकता, लाइटनिंग अटैक नहीं चाहिए मेरे को, ये कैपेसिटर नहीं चाहिए। अग्रेसिव अटैक बढ़ाएगा बट डिफेंस कम कर देगा। वायल ऑफ डार्कनेस जो है इस डार्क टाइप अटैक बढ़ाएगा, तो वायल ऑफ डार्कनेस मुझे चाहिए। माइंड पोरमेंट नहीं चाहिए। यहाँ पे अगर मुझे ब्रेव वगैरह या फिर ऐसा कोई स्किल मिल गया ना तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है रुको, एक काम करता हूँ, अपने उस वाले बेस पे चल के ना इसकी ब्रीडिंग करा देता हूँ मैं। ये फीमेल को ब्रीडिंग पे लगा देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे कौन सी वाली फीमेल है यार, क्या फालतू गिरी है भाई। रेड कहाँ से आ रही है, ऊपर से क्या मरना है कह रहे तुम लोग को? डर नहीं लगता मौत से? मरना है क्या भाई? ऊपर से हवा में से आसमान से उड़ उड़ के आ रहे एक तो। मैं इन लोगों को खास कुछ कर नहीं सकता। वाह अटक गया बेचारा, बेचारा वहां पे अटक गया यार। ठीक है साइड लाइफ भाई, इसको मैं खास कुछ कर नहीं सकता जब तक ये जमीन पे नहीं आता। अरे भाई वाह, अरे क्या फ्लायर बनेगा रे तू, क्या फ्लायर बनेगा रे तू भाई। अटक गए भाई बेचारे वहां पे। रुको उनको मैं बर्फ का गोला मार के ना भगवान के पास पहुंचा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है वैसे। ठीक है आ जाओ भाई नीचे, नीचे लैंड करो, लैंड करो नीचे। अंडे शंडे बहुत मिले, लैंड करो नीचे। जरूरत नहीं है फटने की भाई, फटने के लिए जा रहे थे भाई, सुसाइड बॉम्बर बन रहे थे बेस के। अरे इनको गन से मारना पड़ेगा, ऐसे नहीं मर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे अटके रहेंगे। और बाद में अगर मैं अपने उस वाले बेस पे जाऊंगा तो आ जाएंगे वापस से उंगली करने के लिए, तो इसलिए इनको अभी उड़ा देता हूँ। कितने मरी नहीं रहे, मरे चलो फाइनली जाके मर गए भाई। सोल दे रहे, सोल नहीं दे रहे, इनको भी मारना। तुम बेचारे रेड करने आए थे यहाँ पे अटके पड़े हैं भाई, बताओ क्या दिन आ गए रे तुम लोग के। रुकना फट से हेडशॉट, फट से। एक और मर गया, दो तीन और बचे हुए बस खाली। ठीक है बस खत्म, ओके लेट्स गो। यहाँ पे इनकी चीजें उठा लो मैं जल्दी से, ओके। एंड जैसे मैंने बोला था जब तक मुझे आज चिरमंडेड इग्निस नहीं मिलता है गाइज, ओपी ओपी वाले स्किल वाला, तब तक गाइज आज का एपिसोड एंड नहीं होगा। भले मुझे उसके लिए कितना भी ज्यादा टाइम जो है गाइज यहाँ पे वेट करना पड़े, मैं भी जल्दी जल्दी से जो है ना जाता हूँ घर पे। घर पे जाके जो है गाइज हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पे सो जाते हैं क्योंकि रात हो गई है, तो हम लोग आराम से पहले तो यहाँ पे सो जाते हैं। ठीक है डन, अभी मेरे को जल्दी से अपने उस वाले बेस पे जाना है और वहाँ पे वो जो वाइल ऑफ डार्कनेस वाली गईस जो हमारी प्यारी सी बॉस है उसको गईस यहाँ पे ब्रीडिंग के लिए डालना है। अगर मुझे मसलेड वगैरह इनमें मिल जाए ना तो मज़ा आ जाएगा। ये वाली है ना, ये फीमेल है, यहाँ पे कौन सी वाली फीमेल है, ये वाली। इसमें माइंड पोरमेंट कोल्ड ब्लडेड मिलेगा तो वाइल ऑफ डार्कनेस, ओके ऑल राइट। माइंड ये वाली डाल देता हूँ, फीमेल वहाँ पर आ जा। इस वाली फीमेल को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आराम से, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई। ठीक है चलो आ जाओ, अब यहाँ पे इनके अंडे जो है जो हमको आराम से मिलते रहेंगे। इनके अंडे में बाद में एक साथ ही गई यहाँ पे आज करूँगा। ठीक है अभी मुझे जल्दी से जाने दो अपने बेस पे, मैं देखता हूँ अपने बेस पे जिस उम्मीद में मैं भाई इनकी ब्रीडिंग कर रहा हूँ जर्मन टाइड इग्निस की, वो अंडा मुझे मिल रहा है, मिला है कि नहीं। एक अंडा है यहाँ पे, मैं वेट करता हूँ अभी। 10 अंडे जो है गई यहाँ पे, जब तक आते नहीं ना तब तक मैं आपसे भाई मिलूंगा नहीं। पहले ये अंडा हैच करके देख लो, किस्मत ने साथ दिया तो इसी में हम लोग को बॉस किलर जर्मन टाइड इग्निस जो है गाइस वो मिल जाएगा। ठीक है मसलेड, अरे लेट्स गो मसलेड फ्यूरियस पायरोमेनियक और ब्रेव। ठीक है अभी गाइस मुझे एक और काम करना है जल्दी जल्दी। ये गया कहाँ पे, लेकिन ये गया कहाँ पे? अभी तो मैंने हैच तो करा भाई, लेकिन वो हैच करा हुआ गया कहाँ पे? ओ ये रहा ना पायरोमेनियक एंड ब्रेव। जेंडर क्या है इसका? इसका जेंडर मेल है बराबर, और ये फीमेल है बराबर, मेल और फीमेल ना। एक मिनट रुक जाओ, इसको यहाँ पे डालो, इसको यहाँ पे लो। अभी मुझे एक और काम करो, मुझे इन लोग की बनानी आर्मी, तो मुझे ऐसे ना और चाहिए होंगे 4-5 या उससे भी ज़्यादा जो है गाइस हमारे जर्मन टाइड इग्निस। इसको मैं सबसे पहले यहाँ पे डाल देता हूँ, उसके बाद मैं जाता हूँ भाई जल्दी से यहाँ पे। एंड मुझे नॉर्मल बिना कोई स्किल वाला जर्मन टाइड इग्निस फीमेल वेरिएंट देखना, जिसके पास कोई भी स्किल ना हो। फीमेल है ना इसी वाली,
इसको अभी मैं ब्रीडिंग के लिए डालता हूँ इसके साथ। तो इन लोग का गाइस यहाँ पे आराम से ब्रीडिंग होने दो, और मैं लगभग आपसे जो है ना गाइस आधे घंटे बाद मिलता हूँ, जब इनके लगभग यहाँ पे 5 या 10 अंडे जो है गाइस वो आ जाएंगे, ठीक है। और उन अंडों को हैच करके हम लोग 4 ओपी से, अरे यार रेड पे रेड हो रही है भाई, 4 ओपी से स्किल वाले जो है ना गाइस जर्मनटाइड इग्निस यहाँ पे हासिल कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले इनको भाई मारने दो, रेड पे रेड हो रही है, ये जब भी रेड करने आते हैं ना ये लोग, तब एक अच्छी बात होती है पता है क्या, हमको सोल मिलती है। ये बंदे जब भी रेड करने आते हैं ये सोल देते हैं हम लोग को काफी ज्यादा। अभी भी अगर आप देखोगे तो मुझे सोल मिली होगी काफी सारी, तो बड़ा पट से हेडशॉट, ठीक है रुको मुझे देखने दो सोल मिली है क्या। अच्छा इस बार सोल नहीं दी इन्होंने, इस बार भाई एक्स्ट्रा लार्ज एक्सपी पोशन लेके आए थे ये लोग, वाह भाई वाह। चलो भाई अभी ये रेड भी गाइस हम लोग ने खत्म कर दिया, तो हम लोग थोड़ा वेट करते हैं इनके अंडे देने का, और तब तक हमारे बॉसेस जो है गाइस वहां पे उस दूसरे बेस पे वो भी अंडे दे देंगे। क्या पता उन बॉसेस में से भी जो है ना गाइस कोई ओपी वाला भाई मेरे को बॉस मिल जाए मसलेड वगैरह वाला, देखते हैं। लेट्स वेट करते हैं, अभी आज तो ब्रीडिंग ही होने वाली है बस, और कुछ नहीं होगा। A few moments later. Okay guys, तो हमारे पास टोटल 5 अंडे जो है guys, वो यहाँ पे जेट्रोगोंड इग्निस के, जेट्रोगोंड नहीं सॉरी जर्मन टाइड इग्निस के जो है guys, वो आ चुके हैं। अभी इनको हैच करके मैं जल्दी से देख लेता हूँ कि हम लोग को जो है ना guys यहाँ पे जो जर्मन टाइड इग्निस चाहिए था वो मिला है कि नहीं, ठीक है। 4 स्किल वाला मुझे और जर्मन टाइड, 1 या 2 और जर्मन टाइड इग्निस चाहिए ताकि मैं इनका ब्रीडिंग कराने का काम शुरू कर सकूँ। मसलेड नहीं यार, सोलो मसलेड नहीं चाहिए अभी तो मेरे को, नहीं यार ये भी नहीं है, ये वाला यार इसके पास ब्लरी बॉडी वगैरह कहाँ से आ रही है भाई इसके लिए, इनके पास यार एक भी नहीं मिल रहा मेरे को तो। हाँ लग रहा है गाइस इनकी ब्रीडिंग ना मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम तक करनी पड़ेगी यहाँ पे। मसलेड ना एक मिनट रुक जाओ गाइस, एक मिनट रुक जाओ, एक लिमिट ठीक है आई थिंक से सही रहे, ओके ठीक है रुकना एक काम करता हूँ मेरे को, ये पूरा फुल हो ही गया है ना वैसे भी, मुझे वो वाला भाई जर्मन टाइड इग्निस यहाँ पे निकालने दो जिस जर्मन टाइड इग्निस के पास 3 स्किल थी, ठीक है। वर्क स्लेव ये नहीं, फ्यूरियस ब्रेव वगैरह जो स्किल थी ना उस वाले भाई जर्मन टाइड इग्निस को निकालने दो। ब्रेव फ्यूरियस कहाँ पे चला गया वो जर्मन टाइड, हाँ नहीं वेल ऑफ डार्कनेस नहीं चाहिए मुझे। ब्रेव 3 गोल्डन स्किल वाला कहाँ, फ्यूरियस पायरोमेनिक, हाँ ये क्या चीज़ है फीमेल है ना, इसको भी ब्रीडिंग के लिए डाल देता हूँ। ये जो है गाइस हमारा फीमेल है, इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ब्रीडिंग के लिए, और इसको जो है ना गाइस मैं मसलेड वाले मेल के साथ जो है गाइस यहाँ पे ब्रीड करा देता हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ इससे हम लोग को जो भाई जर्मन टाइड इग्निस चाहिए वो भाई मिल जाएगा, और हम लोग जो है ना कि सेम यही ब्रीडिंग उस वाले बेस पे भी करने वाले। रखो मुझे चाहिए अभी मसलेड वाला, ये फीमेल है ना, मेल चाहिए मसलेड वाली मेल, ठीक है गाइस। मसलेड मुझे काफ़ी ज़्यादा मिले अभी भाई, जस्ट कुछ टाइम पहले मुझे मेल ये रहा काफ़ी सारे मसलेड वाले मिल गए, अभी इसको मैं उठाता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ। आज जो है गाइस बॉस किलर जर्मन टाइड इग्निस जो है ना गाइस उनकी ब्रीडिंग हमको शुरू करनी है, उसके लिए मुझे 4 ओपी स्किल वाले कम से कम जो है गाइस 3 जर्मन टाइड इग्निस यहाँ पे चाहिए, ठीक है कम से कम 3 जर्मन टाइड इग्निस। रुको अब एक काम करता हूँ मैं जल्दी से जाता हूँ हमारे इस वाले बेस पे भी जो ना गाइस 2 जगह भाई यहाँ पे अभी बची हुई है ब्रीडिंग के लिए, ठीक है। ये देखो ये वाला ब्रीडिंग सेंटर हमारा खाली है, तो यहाँ पे मैं सेम वही करता हूँ चीज़, मुझे वो 3 स्किल वाला जो है ना जर्मन टाइड इग्निस चाहिए, फ्यूरियस मसलेड पायरोमेनियन, ओके ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेव डालना है ना मुझे, बराबर मुझे बस यहाँ पे ब्रेव डालना है। ये कौन सा है जेंडर इसका, मेल फीमेल ब्रेव है क्या मेरे पास, ब्रेव चाहिए फीमेल वाली, फीमेल वाली ब्रेव फ्यूरियस और ब्रेव है, फीमेल है ना, हाँ ठीक है चलो। तो यहाँ से हटाएंगे किसको, काउस को हटा देता हूँ मैं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है एंड इसको डाल देता हूँ मैं यहाँ पे जल्दी से ब्रीडिंग करने के लिए। अभी हमारे इस बेस पे भी जो है कि जर्मन टाइड इग्निस की ब्रीडिंग जो है वो शुरू हो जाएगी, लेट्स गो। बॉस के अंडे जो है गाइस रुको मैं हैच करने के लिए जाता हूँ, देखते बॉस के अंडों में से हमको क्या मिलता है, ये वाला इसको हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। तो अभी 3 जगह पे जो है ना गाइस हम लोग ब्रीडिंग कर रहे हैं हमारे जर्मन टाइड इग्निस के, तो हमारे चांसेस जो है ना गाइस 4 ओपी से स्किल वाले जो है ना कि जर्मन टाइड इग्निस मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुके हैं भाई। इतने सारे अंडे जो है गाइस मैं लेके तो चला जाऊँ, रुको गाइस मैं यहाँ पे ही सेल कर देता हूँ कुछ पैल्स को,
क्योंकि मेरे पास काफी ज्यादा एक्स्ट्रा पैल हो चुके हैं और मेरे पास अंडे जो है ना कि जितने सारे अभी यहाँ पे आए ना, मैं क्या बताऊँ, रुको मुझे जल्दी से, मैं कुछ बॉसेस वगैरह को भी यहाँ पे सेल कर लेता हूँ। मुझे अपने जो गाइस इन्वेंट्री है ना गाइस वो पूरी खाली करनी पड़ेगी, पैल बॉक्स जो है गाइस वो खाली करना पड़ेगा, नॉट इन्वेंट्री। वाह भाई मेरी इन्वेंट्री भी फुल हो गई, मुझे अपनी इन्वेंट्री भी खाली करनी पड़ेगी लग रहा है। रुको एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे पहले तो अनुबिस को हटाऊँ, एंड पैल वाला मर्चेंट कहाँ पे, रुकना गाइस, बाय एलिमेंट, ठीक है पैल वाला मर्चेंट है ना, ठीक है इसको मैं डाल देता हूँ यहाँ पे पैल वाला। अरे यार मैं ओवर वेट हूँ भाई, इसके रीजन से मैं जा नहीं पाऊंगा, रुको मुझे जो एक्स्ट्रा सामान है यहाँ पे डाल के आने दो जल्दी जल्दी से, मेरे पास कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान पड़ा हुआ, ये सारा इधर डाल दूँ, ओवर वेट से हट जाऊँगा मैं, ठीक है डन। ऑलरेडी एक्सपी वगैरह पोशन जो है गाइस वो भी यहाँ पे भर के रखने दो मुझे, इसकी भी ज़रूरत नहीं, ये तो मैं खा जाऊँगा। चलो अभी चलते गाइस और वहाँ पे जल्दी से कुछ पैल्स को बेच के हमारे पैल बॉक्स में थोड़ी सी जगह जो है गाइस वो बना लेते हैं, ठीक है। कहाँ पे गया मर्चेंट, हो रहा मर्चेंट, चलो आ जाओ जल्दी से गाइस मर्चेंट से बात करके सेल, ओके तो मुझे काफ़ी सारे, एक काम करता हूँ भाई टोकोडो को, नहीं ब्रेव वाला है ना, लकी वाला है, फ्यूरियस मसलेड वाला है ना भाई, सेल करो, नहीं चाहिए नहीं अभी फिलहाल के लिए टोकोडो को, क्या हम लोग को ज़रूरत है नहीं भाई, ठीक है टोकोडो को की ज़रूरत नहीं, बेच देता हूँ मैं टोकोडो को, जिसकी ज़रूरत नहीं ना गाइस उसको बेच देना है मुझे जल्दी जल्दी, इसकी ज़रूरत है नहीं है, इनको भी बेच दो, ये बॉस की ज़रूरत है 21 लेवल के भाई, सेलेस्टियल इंप्रर बिम्प्रर बेच दो भाई, इनकी भी ज़रूरत नहीं है, फालतू में ना मेरा भाई। ब्रेव इटेड बॉडी माइंड फॉरमैन इसको भी बेचो, इन दोनों को बेचो, फ्यूरियस है इसके पास यार, चलो कोई ना बेच देते भाई, ठीक है इसके पास एग्रेसिव और फ्यूरियस अटैक है लेकिन कोई ना, चलो ये तो मिल जाएंगे हम लोग को, ठीक है डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल जो भी गाइस हमारे पास पैल है ना वो हर एक पैल को मैं बेच दूंगा, 20 को रख देता हूँ क्योंकि इनसे भाई हनी भाई हमको निकालनी पड़ती है ना, इसको भी रख देता हूँ, ये भी, ये बेच दो भाई आप है। अभी इसमें से क्या करूँ यार, आइस इम्परर ठीक है बेच देता हूँ, रुको थोड़े पैल्स तो बेचने पड़ेंगे, अभी हमारे पास और कोई चॉइस जो है गाइस वो है नहीं यहाँ पे, तो थोड़े से पैल जो है गाइस वो बेचने तो पड़ेंगे, ये रख लेता हूँ, ये डार्क टाइप अटैक बढ़ा देते हैं अपना, ठीक है तो उनको रख लेता हूँ मैं। कितने बेचे हैं भाई, काफ़ी सारे बेचे, और बेचने और बेचने और बेचने, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, यहाँ से भी थोड़े से बेचना शुरू कर देता हूँ, मुझे पता है सारे के सारे जो है ना गाइस ओपी वाले हमारे पैल हैं बट इनको बेचना पड़ेगा मुझे, डन। ये बॉस को रख लेता हूँ मैं, बॉस को हम लोग को लेवलअप करना है ना, और जर्मन टायर, एक मिनट रुक जाओ, ये अच्छा अपने 20 जर्मन टायर है, ठीक है कितनी जगह हो गई है पैल बॉक्स में, इतनी जगह हो गई है क्या कि मैं अभी 10-20 अंडे इस बॉस के हैच कर सकूँ, हाँ हो गई जगह तो हो गई है, ठीक है अभी यहाँ पे अनुबिस को डालना है, ठीक है रुको भैया यहाँ पे डालना है बाई एलिमेंट, अनुबिस को डाल देना है 91 वर्किंग स्पीड वाले, डन। अभी यहाँ से अंडे लेके मैं जा रहा हूँ घर पे और ये बॉस के सारे अंडे जो है गाइस वो हैच करके देखते हैं कि इन अंडों में कोई फ्यूरियस मसलेट वगैरह वाला जो है ना गाइस बॉस हमको मिलता है कि नहीं, मुझे लग रहा है ना ये जो हमारा जर्मन टाइड इग्निस है ना वो मिलने से पहले मुझे बॉस मिल जाएगा गाइस, चार बढ़िया से स्किल वाला, वाइल ऑफ डार्कनेस मसलेड, उसके बाद इनका एक वो डार्क वाला अटैक है वो अटैक, और साथ में ब्रेव में भी, ब्रेव ना ब्रेव शायद से, रुको देखते हैं भाई अंडों को हैच कर रहे तो पता चल ही जाएगा, और इसमें से जो ना गाइस उम्मीद करो कि हम लोग को मेल मिले, मेल जो है गाइस वो हमारे पास ज़्यादा है ही नहीं बॉस, तो उम्मीद करो कि हम लोग को ना यहाँ से मेल वाले बॉस जो है गाइस वो भर के मिल जाए, ठीक है जल्दी जल्दी से। अभी मैं यहाँ पे सारे के सारे अंडे जो हैं 15 अंडे टोटल गाइस यहाँ पे मिल गए इनके, ठीक है मैं जल्दी जल्दी से इनको हैच कर लेता हूँ, वाइल ऑफ डार्कनेस भाई वो डेंटी ईटर वगैरह फालतू है, वाइल ऑफ डार्कनेस नहीं यार ये उतनी बढ़िया वाले अंडे नहीं है, कोल्ड ब्लडेड वर्क्स ले ना, नहीं भाई कोल्ड ब्लडेड भी हमको नहीं चाहिए, सायरन ऑफ वाइड ओके, माइंड फॉरमैन कोल्ड ब्लडेड नहीं, पॉजिटिव थिंकर नहीं भाई नहीं, मुझे ब्रेव चाहिए गाइस यहाँ पे, ब्रेव चाहिए, माइंड फॉरमैन फ्यूरियस मिल गया क्या इसमें,
ए गाइस, इसमें फ्यूरियस मिल गया है मुझे, तो सोलो फ्यूरियस निकालने की कोशिश करता हूँ। मेरे को डैड ब्लर बॉडी, भाई साहब भाई क्या चार गोल्डन स्किल मिली है भाई, खतरनाक वाली, बट वो हमारे काम नहीं आएगी, वो माइनिंग वगैरह वाली मिली है। ब्लर बॉडी वर्ल्ड पॉजिटिव थिंकर, ठीक है। अब फ्यूरियस मिला है ना, फ्यूरियस को मैं निकालने की कोशिश करता हूँ, रुको यहाँ से। ओके फ्यूरियस हम लोग को मिल गया है यहाँ पे, मसलेट मिल गया ना तो और मज़ा आ जाएगा, बट मसलेट अभी तक मिला नहीं है, फ्यूरियस ही मिला है। माइंड फॉर रिमेन, ओके ठीक है। इसमें कोई मेल है? व्हाट? हाँ भाई, एक मेल नहीं मिला है मेरे को, एक मैंने जो बॉस को मारा था तब मुझे मेल मिला, तो वही है भाई, वरना एक भी मेल नहीं मिला है। चल क्या रहा भाई, लोग मेल क्यों नहीं दे रहे मेरे को? ठीक है, और को मुझे अभी फ्यूरियस को निकालना है। ठीक है देखो, इसमें है सायरन ऑफ वाइड और वाइल ऑफ डार्कनेस, ये मुझे यहाँ से चाहिए स्किल, ठीक है। और इसमें से मुझे चाहिए अभी मेल, तो यही है भाई, वाइल्ड ऑफ डार्कनेस और पॉजिटिव थिंकर। यहाँ पे डालो फ्यूरियस वाला, फ्यूरियस कहाँ पे? फ्यूरियस पे अटैक बढ़ा देता है, मुझे सोलो फ्यूरियस मिल गया ना तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो ये फ्यूरियस वाला भी यहाँ पे डाल देता है। दो ही मेल है तो हम लोग को भाई यहाँ पे दो ही मेल के साथ इनकी ब्रीडिंग करनी पड़ेगी, और कोई चॉइस नहीं हमारे पास। तो यहाँ पे मैंने फ्यूरियस वाला जो है गाइस वो डाल दिया है, उम्मीद कर रहा हूँ इसे सोलो फ्यूरियस वाला जो है गाइस हम लोग को यहाँ पे ये बॉस मिल जाए। अभी गाइस हमारे जो जर्मन डेड इग्निस है ना, इनकी ब्रीडिंग वगैरह यहाँ पे होने दो आराम से, ठीक है। मैं यहाँ से भाई थोड़े से रुक जाऊँ, मैं काम करता हूँ, मैं जल्दी से जितने भी अंडे हनी वगैरह है सब उठा के बेस पे लेके जाता हूँ और वहाँ पे केक बनाने के लिए डाल देता हूँ, ठीक है। हमारे पास केक की थोड़ी सी कमी पड़ रही है, तो थोड़े से केक बनाने के लिए डालते हैं और थोड़ा और वेट करते हैं गाइस इनके अंडे जो है गाइस हम लोग को मिलने का। मैंने गाइस आपको बोल दे, आज जब तक मुझे तीन चार ओपी से चार स्किल वाले जर्मन डेड इग्निस नहीं मिलते तब तक आज का एपिसोड खत्म नहीं होगा भाई हमारा, ठीक है। रुको यहाँ पे भी इन्होंने अंडे जमा कर दिए होंगे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, हनी अंडे वगैरह सब जमा कर दिया। जल्दी से अभी घर पे जाके यहाँ पे केक बनाने के लिए डाल देता हूँ मैं, और उन केक की मदद से आराम से हम लोग अभी फिर ब्रीडिंग वगैरह आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये आखिरी वाले में डाल देता हूँ केक बनाने के लिए, रुको यहाँ पे डालता हूँ मैं। केक कितने बनेंगे अभी? 39 केक बन रहे, ठीक है चलो सही है। और मेरे अंडे ख़त्म हो गए भाई, मेरे पास अंडे जो है ना गाइस वो बिल्कुल भी नहीं है, अंडों की कमी पड़ रही है मेरे को यहाँ पर, ठीक है चलो कोई सीन नहीं है। मिल्क वगैरह ये यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है लेट्स गो। तो अभी गाइज मैं वेट करता हूँ इनके अंडे गाइज यहाँ पे मिलने का। यहाँ पे पांच, अगर एक इस ब्रीडिंग सेंटर में पांच अंडे मिल गए तो टोटल 15 अंडे हमारे पास हो जाएंगे। सो पांच अंडे जो ना गाइज यहाँ पे मिलने का मैं वेट करता हूँ, उसके बाद डायरेक्टली आपसे मिलता हूँ, ठीक है रुको गाइज। 3 days later ओके चलो गाइज, काफी ज्यादा वेट मैंने कर लिया, अभी एक काम करता हूँ मैं इस वाले बेस पे पहले चलता हूँ, हमारा जो थर्ड बेस है गाइज उस पे, एंड यहाँ पे मैं कुछ हमारे जेट्रोगोन जो है ना गाइज उनको इसके अंदर डाल के रख देता हूँ, ठीक है। अरे यार ये कहाँ से आ गया इधर, हाँ यहाँ पे मैं कुछ अपने जेट्रोगोन, कुछ नहीं भाई जितने भी गए जेट्रोगोन से मैं उनको यहाँ पे रख रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि मेरे पैल बॉक्स में जो है जगह नहीं है, और कुछ पैल जो है इसमें बेच नहीं सकता क्योंकि बॉस जो है उसको भी मुझे लेवल अप करना है, ठीक है। और उसके लिए भी भाई मुझे भाई बॉसेज चाहिए होंगे, उनको नहीं बेच सकता, और जो जर्मन डाइड इग्निस है उसको भी नहीं बेच सकता क्योंकि उसको भी लेवल अप करना है मुझे, तो इसलिए मैंने भाई यहाँ पे थोड़ी सी जगह खाली कर दी। अभी यहाँ पे हम लोग जल्दी से शाइनी, कौन सा जोल्टॉग, बंदर, कौन शाइनी आएगा इस यहाँ पे, रुको मुझे देखने दो, कोई तो शाइनी वाला पैल मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अरे बंदर है गाइस, बंदर शायद से शाइनी वाला है नहीं मेरे पास, उसको पकड़ लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। शाइनी वाला गाइस बंदर मिला है, काफी ज्यादा लो लेवल है बट गाइस शाइनी है, सो इसमें लकी मिल जाएगा हम लोग को जो आगे जाके ब्रीडिंग वगैरह में जो ना गाइस काम आ सकता है। लकी और वाइल ऑफ डार्कनेस मिला है मुझे, ये काफी ज्यादा खतरनाक है भाई। चलो आ जाओ अभी जल्दी से, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे इनके अंडे जो है जो फाइनली मेरे पास आ चुके हैं, चार चार अंडे है ना, ठीक है चलो ये चारे के सारे चार चार अंडे जो यहाँ पे, तीन अंडे पड़े हुए, ठीक है चलो ये सारे अंडे जो है मैं हैच करता हूँ और देखता हूँ फाइनली मेरे पास जो है आर्मी है कि नहीं जर्मन डेड इग्निस की। अगर अभी भी नहीं मिले ना मुझे जो जर्मन डेड इग्निस चाहिए वो, तो भाई छोड़ दो फिर भाई, फिर हम लोग भाई अगले वाले एपिसोड में कर लेंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि एपिसोड कुछ ज़्यादा ही लंबा बन रहा है भाई इसके चक्कर में। जल्दी से इन सारे अंडों को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ हैच करने के लिए, ओके। एंड देखते हैं यहाँ से जर्मन डाइड मसलेड, अरे नाइस एक मिल गया गाइस जर्मन डाइड इग्निस जो मुझे चाहिए था वो,
ये वाला नहीं है, एक मिल गया, चलो दो हो गए मेरे पास। ब्रेव फ्यूरियस ठीक है, दो हो गए ना टोटल। ब्रेव पायरोमेनिया एक, ओके ठीक है, टोटल दो हो गए गाइस हमारे पास। ठीक है हमारे पास टोटल दो जो है गाइस वो आ चुके हैं यहाँ पे। जर्मन टाइड इग्निस भाई बॉस किलर। अब एक काम करता हूँ मैं उस वाले बेस से भी भाई लेके आता हूँ थोड़े से अंडे, रखो यहाँ से भी थोड़े से अंडे जो है गाइस वो मुझे जल्दी जल्दी से उठा लेने। ठीक है तीन ही अंडे उठा के लेके आता हूँ। ये बॉस के अंडे जो है गाइस वो हम लोग भाई बाद में आज कर लेंगे। अभी गाइस मुझे जर्मन टाइड इग्निस चाहिए, दो तो मेरे को मिल गए हैं। अभी मैं ना ऑफलाइन में एक और काम करूंगा, अगला एपिसोड जो है ना कि जो रिकॉर्ड करने से पहले लगभग जो है ना 40 अंडे जर्मन टाइड इग्निस के ना मैं इकट्ठा करके रख दूंगा, 40 एग्स, और वो 40 के 40 अंडे हम लोग एक साथ गए यहाँ पे हैच करेंगे, फुल मजे मजे आएंगे। फ्यूरियस मसल एड ब्रेव नहीं बच्चा, आई थिंक से चौथा वाला जो स्किल है और यहाँ पे मिसिंग रह गया मसल एड, एंड आखिरी वाला जो है उसमें चार नहीं टोटल दो नहीं सॉरी हमारे पास टोटल तीन आ गए जर्मन टाइड इग्निस। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो टोटल तीन जर्मन टाइड इग्निस हमारे पास आ चुके हैं। ये देखो ये वाला जो है गाइस ये पहला है, उसके बाद ये वाला है दूसरा, और ये वाला जो यहाँ पे है ये वाला है तीसरा। ब्रेव पायरोमेनियाक मसल एड स्विफ्ट की वे आप वेट अ मिनट, हाँ यहाँ पे स्विफ्ट की वे, तो वो रियल वाला कहाँ पे चला गया, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे स्विफ्ट कैसे आ गया, स्विफ्ट नहीं चाहिए था यहाँ पे, वो चार गोल्डन स्किल वाला कहाँ पे चला गया फिर, मैं अभी तक स्विफ्ट वाले से ब्रीडिंग कर रहा था क्या। बाय एलिमेंट तीन चाहिए टोटल मेरे पास यहाँ पे, रुकना मुझे ढूंढने दो, तीन चाहिए, स्विफ्ट नहीं चाहिए इसमें। फ्यूरियस हाँ ये एक हो गया हमारा, ठीक है रुको इसको मैं ब्रीडिंग के लिए डाल देता हूँ पहले, तो पहले इसको ब्रीडिंग के लिए डाल देता हूँ। अच्छा इसका मैंने जेंडर ही नहीं देखा, इस वाले का फीमेल है तो इसका मेल होना चाहिए, यहाँ पर को मेल है भाई, ब्रीडिंग चल रही है, हाँ मेल है, चलो तो ये एक हो गया। दो और हमारे पास जो है गाइस ऐसे ही जर्मन टाइड इग्निस होने चाहिए, रुको चेक करने दो मुझे, दो सेम टू सेम ऐसे ही जर्मन टाइड इग्निस होने चाहिए मेरे पास, मसल एड और फ्यूरियस, दो गोल्डन स्किल और दो वाइट स्किल वाले। ठीक है ये क्या दिख तो नहीं रहा, दो गोल्डन स्किल ये वाला नहीं है और दो वाइट स्किल ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, शायद से मैंने गलती से ना उसको बेच दिया है गाइस यहाँ पे। ठीक है ऐसा लग रहा है मुझे कि गलती से हम लोग ने ना उसको बेच दिया है, मैं भी चार गोल्डन स्किल वाले को, यहाँ पे क्या चार नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है चलो कोई ना, ऑफलाइन में मैं थोड़े से और गाइज अंडे इनके जो है गाइज निकालूंगा। ये वाला हमारा नहीं, ये इसमें स्विफ्ट है, स्विफ्ट नहीं चाहिए था भाई, ये वाला हमारा दूसरा वाला है। ठीक है तीसरा वाला कहाँ पे, मसलेट स्विफ्ट पायरोमेनिक ब्रेव नहीं, ये वाला नहीं है, ये वाला हमारा तीसरा वाला, ये मिल गया भाई, ये मिल गया मिल गया, ये वाला एक और पायरोमेनिक फ्यूरियस, ये वाला दूसरा और ये वाला हमारा तीसरा। अभी आप सोच रहे होंगे भाई तीन तीन मिल गए अभी और क्या चाहिए, गाइस ऐसे टोटल 20 जर्मन टाइड इग्निस हम लोग को चाहिए। जैसे हम लोग ने 20 जेट्रोगोन की आर्मी बनाई थी ना गाइस, सेम जर्मन टाइड इग्निस जो है गाइस 20 जर्मन टाइड इग्निस की मुझे यहाँ पे आर्मी बनानी है, तभी जाके हम लोग जो फाइनल बॉस है उसको मार पाएंगे। अभी मुझे दो मिल गए यहाँ पे, मैं काफ़ी ज़्यादा मेल फीमेल है क्या, अरे यार तुम तो मेल फीमेल हो भाई, रुको फिर तुम्हारा है गाइस भाई, इनका ही मैं ब्रीडिंग करा देता हूँ, इनसे जो अंडे निकलेंगे उनमें से कंफर्म भाई कंफर्म 100% चांस है कि यही वाले गए जर्मन टाइड इंग्लिश निकलेंगे इसी स्किल वाले, क्योंकि दोनों की स्किल जो है गाइस वो सेम ही है, तो कोई रैंडम स्किल जो है गाइस वो नहीं मिलने वाली यहाँ पर। ठीक है ये लो चलो आ जाओ, ये भाई दो जो मिले अभी हम लोग को मेल फीमेल है लकीली, तो इनका ब्रीडिंग करने के लिए डालता हूँ। और अगला जो एपिसोड होगा वो जो एपिसोड है वो शुरू करने से पहले मैं 40 से ज़्यादा जर्मन टाइड इग्निस के अंडे जो है गाइस वो हासिल करके ऊपर इनक्यूबेटर के अंदर डाल के रख दूंगा। ठीक है तो अभी फाइनली आज का ये लंबा सा एपिसोड जो है गाइस वो ब्रीडिंग वाला हो जाता है ये पे खत्म। आज हम लोग ने बॉसेस की भाई ब्रीडिंग करी, साथ में हम लोग को जो चार स्किल वाला जर्मन टाइड इग्निस चाहिए था वो भी गाइस यहाँ पे मिल गया है,
और एक नहीं दो नहीं तीन तीन मिल गए और उनका ब्रीडिंग भी शुरू हो चुका है। और अगले एपिसोड में उम्मीद कर रहा हूँ कि 20 जर्मन टाइड इग्निस की जो आर्मी है वो हमारी बनके रेडी हो जाए। बाकी आज का ये वाला जो एपिसोड है पैल वर्ल्ड का हो जाता है ये, तो मिलते सीधा अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपने पैल वर्ल्ड की हमारी प्लेलिस्ट जो है वो चेकआउट नहीं करी है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हो प्लेलिस्ट। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय गाइस, सी यू लेटर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय। All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up.